हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉ वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ अवर करंट अफेयर्स लेक्चर आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रेगुलरली रिवाइज योर ऑलरेडी लर्न टॉपिक्स राइट नए टॉपिक सीखिए बट उसके साथ जो पुराने टॉपिक्स है उसमें अगर कोई अपडेट है उसका रिविजन करना इज़ वेरी नेसेसरी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन अल्टीमेटली सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू जी ट्वेंटी तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है उसके साथ हम इसको जोड़ कर देख सकते हैं सो इंडिया जॉइंस जी इज ट्रॉई का नाउ जी ट्वेंटी क्या है इंडिया का उसमें क्या पार्टिसिपेशन है इंडिया में कब समिट होने वाली है ये सारी चीज़ें हमें पहले टॉपिक से पता चलेगी सो रिसेंटली इंडिया ज्वाइंड द जी ट्वेंटी ट्रोई का एंड विथ दिस इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसीजर फॉर टेकिंग ओवर द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर तो 2023 की जो समिट है वो एक्चुअली इंडिया में होने वाली है और नेक्स्ट ईयर इंडिया को इसके लिए जो चेयरमैनशिप है वो मिलेगी प्रेसिडेंसी uh, जो है वो मिलेगी क्या है सो इट रिफर्स टू द टॉप ग्रुपिंग विद इन द जी ट्वेंटी दैट कंसिस्ट्स ऑफ द करंट प्रीवियस एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसीज विच इज इंडोनेशिया इटली एंड इंडिया ओके चलिए तो करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया है प्रीवियस कौन था इटली क्योंकि रोम इटली में उसकी समिट हुई थी और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट होगा इनकमिंग प्रेसिडेंट या जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा वो है इंडिया एज अ ट्रोईका मेंबर इंडिया विल वर्क क्लोजली विथ इंडोनेशिया एंड इटली टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द जी ट्वेंटी एजेंडा तो देखिए जी ट्वेंटी की जो समिट है वो हर साल मिलती है नेशनल uh, बैंक के गवर्नर जो होंगे वो जाएंगे फिनांस मिनिस्टर जाएंगे हेड ऑफ़ द स्टेट अल्टीमेटली पार्टिसिपेट करते हैं तो जी ट्वेंटी बेसिकली ग्लोबल इकनॉमी को शेप करती है और ना ही सिर्फ ग्लोबल इकनॉमी को बट देर आर मल्टीपल अदर इश्यूज़ जो इकनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी जी ट्वेंटी के जो कंट्रीज़ है वो आपस में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सो एज़ अ ट्रोई का मेम्बर इंडिया विल वर्क क्लोजली विद इंडोनेशिया एंड इटली टू इन्श्योर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द जी ट्वेंटीज़ एजेंडा इंडिया विल अज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी ऑन फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू फ्राम इंडोनेशिया एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो देखिए जब से ये बना है ऑर्गेनाइजेशन जी ट्वेंटी जी सेवन के मेम्बर्स ने उसको बनाया था एक्सटेंड किया था डेवलपिंग इकनॉमीज तक पहली बार इतने सालों में बीस से ज़्यादा साल हो गए पहली बार उसकी जो समिट है वो इंडिया में होने जा रही है सो इंडिया विल अज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी ऑन फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इटली होस्टेड द जी ट्वेंटी समिट ड्यूरिंग ऑक्टोबर थर्टी थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वेर इंडिया हैज़ रेज्ड द इशू ऑफ अफगानिस्तान फ्यूचर फॉलोइंग द टेक ओवर बाई तालिबान तो आपको अगर बताओगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे तो काफ़ी सारा मीडिया कवरेज हुआ था एंड वी ऑलरेडी नो कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज दिए जी ट्वेंटी समिट इंडोनेशिया टूक ओवर द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी फ्रॉम फर्स्ट डिसेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड इन द कमिंग मंथ्स इंडोनेशिया विल होल्ड ऑफ़ डिस्कशन एट वेरियस लेवल्स अमॉन्ग द मेम्बर्स ऑफ द जी ट्वेंटी बिफोर कन्वीनिंग द जी ट्वेंटी स्केड्यूल्ड फॉर ऑक्टोबर थर्टी थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी तो आने वाले साल में जो होगी वो इंडोनेशिया में उसकी समिट होगी नेक्स्ट ईयर्स समिट विल बी ऑर्गेनाइज अलॉन्ग दी ओवरऑल थीम ऑफ रिकवर टूगैदर रिकवर स्ट्रोंगर तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड का जो थीम है वो यहाँ पर रखा गया है एंड दैट इज रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रांगर तो ये उसका थीम जो है वो आपको याद रखना है जी ट्वेंटी क्या है सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ नाइनटीन कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर द मेंबर कंप्राइजेज ऑफ अ मिक्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज तो देखिए जी सेवन जो था वो दुनिया की सात एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप था अब क्योंकि उनको ग्लोबल पॉलिसी बनाने की जरूरत थी दे हैव इंक्लूडेड दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ न्यू ग्रुप कॉल्ड जी ट्वेंटी और जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज को रखा गया द मेंबरशिप कंप्राइज इज अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज रिप्रेजेंटिंग अबाउट टू थर्ड ऑफ द दर्ल्ड पॉपुलेशन एटी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट 80% परसेंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ओवर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड मेंबर्स कौन कौन है इसमें सो अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कैनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया मेक्सिको, रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यूनाइटेड किंगडम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन ओके देखिए इनमें से सभी के साथ ऑलमोस्ट हमारे रिलेशन काफ़ी से भी काफ़ी अच्छे हैं जस्ट टर्की के साथ पिछले एक दो सालों में ओवर सी एंड जम्मू एंड कश्मीर इश्यू टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान एंड देट्स वाइट टर्की के साथ हमारे रिलेशन थोड़े बिगड़े हुए हैं बैकफुट पर है अदरवाइज़ बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ इवन विद द यूरोपियन यूनियन इंडिया के जो रिलेशन है ट्रेड वाइज डिप्लोमेटिक रिलेशन वो काफ़ी अच्छे हैं ओके okay? और इन सारे नाइनटीन कंट्रीज़ को पाँच ग्रुप में बेसिकली बांटा गया है चार ग्रुप में चार नेशन और एक ग्रुप में तीन कंट्रीज़ को रख के बाँटा गया ताकि प्रेसिडेंसी डिसाइड करने में उनको आसानी हो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ओके okay, स्पेन जो है तो स्पेन इज अ परमानेंटली इनवाइटेड कंट्रीज ओके एंड देर आर मल्टीपल अदर कंट्रीज एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिनको जी ट्वेंटी समिट में बुलाया जाता है सो so, जो ऑरेंज कलर्ड नेशन है वो सारे जी ट्वेंटी के पार्ट है जहां पे देखिए जिसमें यूरोपियन यूनियन भी कवर्ड है ओके सो दिस इज द यूरोपियन यूनियन भी उसमें कवर्ड है गेस्ट कंट्रीज जो है वो कौन से कौन से सो दो नॉर्वे नेदरलैंड गिनी सेनेगल वियतनाम एंड सिंगापुर ओके सो ये सारे गेस्ट कंट्री है स्पेन इज दी परमानेंटली इनवाइटेड कंट्री ओके चलिए तो आपको ये आ, मैप जो है वो याद रखने की कोशिश कीजिए और जी ट्वेंटी बार बार डायरेक्टली, इनडिरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है पिछले जीपीएससी में भी इसको पूछा गया था ओके okay? तो स्टेट सिविल सर्विसेज में एंड अदर क्लास वन टू लेवल एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछा जाता है मैंडेट ऑफ द ग्रुपिंग क्या है सो द जी ट्वेंटी इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच रिफ्लैक्ट्स अ रिकोगशन दैट ग्लोबल प्रोस्पेरिटी इज इंटर डिपेंडेंट एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज आर इंटरलिंगड कोई एक कंट्री सिर्फ खुद से आगे नहीं बढ़ सकता उसको मल्टीपल अदर कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो जो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी है इट्स एन इंटर डिपेंडेंट थिंग इंटर डिपेंडेंट आस्पेक्ट और सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा क्यों बिकॉज एवरी थिंग इज इंटरलिंक्ड जी ट्वेंटी कंट्रीज हैव कम टूगेदर टू बेटर प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर द प्राइमरी मैंडेट ऑफ द ग्रुपिंग इज फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन विथ पर्टिकुलर एम्फोसिस टू प्रिवेंट फ्यूचर फिनेंशियल क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी नाइन टू टू थाउजेंड एट द फोरम एक्सोल्टेड फ्रॉम अ ग्रुपिंग ऑफ अ सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स टू हेड ऑफ़ दी स्टेट तो नाइनटीन नाइन्टी नाइन से लेकर अब तक तीन लेवल में इसकी समिट होती है दैट इज सेंट्रल बैंक गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर एंड टू देन हेड ऑफ़ दी स्टेट्स जिसको अभी तक फॉलो किया जाता है इंडिया एंड जी ट्वेंटी का क्या रिलेशन है सो एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जी ट्वेंटी इंडिया हैज़ यूज द प्लेटफॉर्म टू रेज इश्यूज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस एंड दोज दैट इम्पैक्ट ऑन द मोस्ट वनरेबल अराउंड द ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा मेकिंग फोरम इज टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाई इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इट्स अ चैलेंज एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू फॉस्टर इट्स प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल अरेना but due to the rising toll of unemployment rates and poverty in the domestic portion it's hard to take the lead effectively so after covid gst and there are multiple other issues at domestic front indian government domestic front pe kafi zyada fight kar rahi hai logo se तो इस माहौल में उसकी लीडरशिप को कैसे हम टैकल करते हैं दैट इज you know व्यू टू सी तो वो हमें देखना है कि वो कैसे हम tackle उसको कर पाते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी का कोई एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज और वो है यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेट वे प्लान सो रिसेंटली द यूरोपियन कमीशन हैज अनाउंसड अ प्लान कॉल्ड ग्लोबल गेट वे टू मोबिलाइज यूरो 300 बिलियन बाय 2027 इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड सो जो छोटे देश है जिनकी इकोनॉमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना सके अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे उन कंट्रीज़ में 300 बिलियन यूरोज को मोबिलाइज किया जाएगा बाय 2027 ऑल्दो द प्लान डजेंट मेंशन चाइना इट इज़ सीन एज ए रिस्पॉन्स टू चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजी देखिए चाइना का बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटी क्या है सो चाइना थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बरसों पुराना जो सिल्क रोड है उसको रिवाइव करना चाहता है इस चक्कर में चाइना अफ्रीका और मिडल ईस्ट के और मिडल एशिया के जो छोटे छोटे पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ से एक कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रोड कनेक्टिविटी रेलवे कनेक्टिविटी सी uh, कनेक्टिविटी इससे क्या होगा कि uh, लालच में आकर सारे कंट्रीज चाइना से ही लोन लेंगे चाइना से ही मैन पावर लेंगे चाइना से ही टेक्नोलॉजी लेकर अपने यहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे जब वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि वो प्रोजेक्ट उस कंट्री के लिए फिजिबल ही नहीं था रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करता था एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं करता था जब वो कंट्री चाइना से ली हुई लोन को रीपे नहीं कर पाएगा चाइना उस कंट्री के किसी हिस्से के ऊपर अपना अधिकार जमा लेगा और इसकी वजह से जो मेजर कंट्रीज है जैसे कि रशिया यूएसए यूरोप जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं उनको डर है कि धीरे धीरे चाइना अपनी जो ये डोमिनेंस है उसको बढ़ा लेगा और ग्लोबल लेवल पे उसका जो डोमिनेंस है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा विच विल बी क्रिटिकल फॉर एवरी कंट्री तो ग्लोबल गेटवे प्लान क्या है

क्लाइमेट एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दैट दैट इज़ द नीड ऑफ टूडेज वर्ल्ड सो उसको इमीडिएट एड्रेस करने के लिए तीन सौ बिलियन यूरोज का जो प्लान बनाया गया है उसमें से उन कंट्री को मदद की जाएगी और क्या होगा सो स्ट्रेंथन हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम अक्रॉस दी वर्ल्ड सो पोस्ट कोविड वर्ल्ड के जो रिजल्ट्स है या जो एनालिसिस है उसको भी इसमें जोड़ा गया है और हेल्थ एजुकेशन और रिसर्च सिस्टम को स्ट्रेंदन करने के लिए भी कंट्रीज को पैसा दिया जाएगा फंडिंग कैसे होगी सूट टू फिनांस द प्रोजेक्ट द यूरोपियन यूनियन विल यूज इट्स यूरोपियन फंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस Under this, 40 billion euros are made available in guarantee capacity and will offer grants up to 18 billion euros from external assistance programs. The plan will need funding from international institutions and from the private sector if it is to get anywhere near its target. The financing will be done under fair and favorable terms in order to limit the risk of debt distress. De ऑफशूट ऑफ बी थ्री डब्ल्यू प्रोजेक्ट ना वॉट इज बी थ्री डब्ल्यू प्रोजेक्ट तो बी थ्री डब्ल्यू जो प्रोजेक्ट है वो चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट को बनाया गया था मैंने आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बताया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कैसे चाइना जो छोटे छोटे कंट्री है उनको कैप्चर करता जा रहा है फिनंशियली पोलिटिकली ज्योग्राफिकली श्रीलंका का हमन डोटा जो पोर्ट है इट इज़ वन ऑफ लेटेस्ट एग्जाम्पल युगांडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लेटेस्ट एग्जाम्पल श्रीलंका का हम्बनडोटा पोर्ट श्रीलंका ने चाइना की मदद से अपने यहाँ पे बहुत बड़ा एक पोर्ट बनाया सारी टेक्नोलॉजी के साथ बट जब रेवेन्यू जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बारी आई तो वो पोर्ट इतना रेवेन्यू या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके नहीं दे रहा है राइट अब चाइना तो आके खड़ा हो गया कि चलो नाव आपका प्रोजेक्ट चालू हो गया है नाव वी नीड अवर मनी बैग आप लोन रीपे करना स्टार्ट करो श्रीलंका कहता है कि भाई तुमने जो हमें सपने दिखाए थे उतना रेवेन्यू तो जनरेट ही नहीं हो रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है हमारे पास अब आपको देने के लिए पैसे नहीं है हाउ शुड वी रीपे योर लोन तो चाइना ने ये ऑप्शन दिया कि भाई हम्बन डोटा पोर्ट को हम लोग कंट्रोल करेंगे सो नाइन्टी नाइन ईयर्स के लिए हम्बन डोटा पोर्ट श्रीलंका का जो है वो अब किसको लीज पर दे दिया गया है चाइना को लीज़ पर दे दिया गया है नाउ यू कैन इमेजिन निन्यानवे साल तक अगर कोई कंट्री के इंजीनियर्स या कम्युनिटी इवन इन स्मॉल पार्ट ऑफ कोई कंट्री में रहेंगे तो निन्यानवे साल के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस उनका वहाँ पे बन जाएगा और निन्यानवे साल बाद चाइना वहाँ से हटेगा नहीं यही हुआ है रिसेंटली युगांडा के एकमात्र वन एंड ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमें बता रहे हैं ओके एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी वैलिडेशन कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है बट इंटरनेशनल मेजोरिटी ऑफ द मीडिया ने ये बोला है कि युगांडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अब चाइनीज बैंक ने ओवर कर लिया है जस्ट बिकॉज की युगांडन गवर्नमेंट उस एयरपोर्ट को बनाने में जो पैसा लगा था उसको रीपे नहीं कर पाई सो so, इसको काउंटर करने के लिए जी सेवन कंट्रीज ने ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया कि ऐसे प्रोजेक्ट बनने से पहले ही अगर किसी कंट्री को समझा लिया जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत बड़ा है फिजिबल ही नहीं है ग्राउंड पे चाइना जो सपने दिखा रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल तो शायद हम चाइना के जो बढ़ता जा जा रहा जो रीच है उसको हम कम कर सके उसको कट ऑफ कर सके ओके सो बी थ्री नेटवर्क बनाया गया जिसको लीड कर रहा था यूएसए और उसको सपोर्ट कर रहा था जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया को भी ज्वाइन करने का इन्वाइट दिया था उस टाइम के देन यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इन नवंबर 2019 नाउ ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है दैट इज़ अ कंसल्टिंग फर्म ओनली मतलब कोई कंट्री को जब चाइना लालच देता है कि हम इतनी लोन देने के लिए रेडी है बी थ्री ब्लू डॉट नेटवर्क उस कंट्री को समझाएगा कि ये इतना फिजिबल नहीं है वो कंट्री बोलेगा कि ओके अंडरस्टूड आपकी सारी बात मैंने मान ली चाइना से पैसा लेने जैसा नहीं है बट अगर मैं चाइना से पैसा नहीं ले रहा हूँ तो मुझे आप पैसा दे दो क्यों क्योंकि मुझे एनी anyway, वे उतने स्केल का नहीं बट थोड़ा बहुत तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे पैसा वैसे भी चाहिए होगा ब्लू डॉट नेटवर्क किसी भी किस्म की फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता था इसलिए वो कंट्रीज़ को स्टॉप करने में चाइना से लोन लेने में रोक नहीं पा रहे थे इसीलिए लास्ट की जो uh, जी सेवन की समिट हुई यूके में उसमें जी सेवन कंट्रीज़ ने जापान भी है जी सेवन में और यूएसए भी है तो इन दोनों कंट्रीज़ ने ब्लू डॉट नेटवर्क का जो फंडा था उसको आगे बढ़ाते हुए उसको एक्सटेंड करते हुए ब्लू डॉट नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया सारे G7 कंट्रीज़ के साथ मिलकर जिसमें फ्रांस भी है जिसमें यूके भी है कनाडा भी है जापान भी है ओके okay, सो so, ये जी सेवन कंट्रीज़ क्या करेंगे ये जी सेवन कंट्रीज ट्वेंटी थर्टी फाइव तक दो हज़ार पैंतीस तक फोर्टी ट्रिलियन डॉलर की लोन की मदद करेंगे नीडी कंट्रीज़ को जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है सो द यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटजी इज़ एन ऑफ शूट ऑफ़ द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव बी थ्री डब्ल्यू इज एन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव the बाई दी ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज रिचेस्ट डेमोक्रेसीज इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए बी थ्री डब्ल्यू बहुत पुरानी बात भी नहीं है पाँच छः महीने अभी उसको हुए हैं चाइना का बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है सो द बी आर आई प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी थर्टीन इट ब्रॉडली एम्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्सेस टू एनर्जी creating demand for existing ex excess capacity in chinese industries officially it aims to develop land and sea infrastructure to better connect china to asia europe and africa for trade and development and it has found many partners around the world china had an overall exposure of investment of around 750 billion us dollar बिटवीन 2013 टू मिड 2020 देखिए चाइना ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुका है अलग अलग कंट्रीज में चाइना आर्ग्यूज दैट इट रिस्पेक्ट्स इट पार्टनर सोवरेनिटी वाइल प्रोवाइडिंग लोन्स दैट बेनिफिट जॉइंट प्रोजेक्ट्स वाइल क्रिटिक्स सेज दैट बीजिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स इग्नोर अब्यूजेज ऑफ ह्यूमन लेबर एंड एनवायरमेंटल राइट्स तो जो भी ये प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें ना तो ह्यूमन लॉस को ध्यान में लिया जाता है ना ही लेबर लॉस को ध्यान में लिया जाता है ना ही एनवायरमेंटल लॉस को ध्यान में लिया जाता है का है का क्रिटिसिज्म क्या सो प्रोजेक्ट हैज़ द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन तो पहला तो है चाइना का डेप्ट ट्रैप पॉलिसी जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि छोटे कंट्री को जरूरत से ज्यादा लोन दे दी जाए और जब वो कंट्री उस लोन को रिपे नहीं कर पाता उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर चाइना उसको ट्रैप में फंसाकर उसका हिस्सा कैप्चर कर लेगा कंट्रोल में ले लेगा ओके सो बीआरआई आर इज बींग सीन एज अ पार्ट ऑफ चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी वेर इन चाइना इंटेंशनली एक्सटेंड एक्सेसिव क्रेडिट टू अनदर कंट्री विथ द इंटेंशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिक और पोलिटिकल कंसेशन फ्रॉम कंट्री The Western countries see, is at a, see it as a tool for China to influence poorer countries. They criticize China for inciting emerging economies to take on too much debt and allege the secretive tender process is prone to corruption. New col uh, colonialism. They have attacked the initiative as new colonialism. फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो ब्रिटेन ने भी एक समय पर यही किया था राइट right, धीरे धीरे लालच देखे फिर वो सारे कंट्रीज को कैप्चर कर लिया गया था ड्यूअल ने प्रोडक्ट ऑल्सो प्रोजेक्ट लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर बिल्डिंग ऑफ कोलम्बो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका नॉट ओनली कमर्शियल इन नेचर बट है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन टू ठीक है अभी देखिए इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को चाइना से और पाकिस्तान से नॉर्थ की तरफ से खतरा है ऐसा हम मान सकते हो अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में म्यांमार में या श्रीलंका में अगर हैविली इन्वेस्ट कर लेता है तो इंडिया के लिए भी अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा एज ऑफ नाउ हमें श्रीलंका की तरफ से कोई इशू नहीं है बांग्लादेश की तरफ से कोई इशू नहीं है बट अगर वहाँ आने वाले सालों में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो वो इंडिया के लिए भी बहुत खतरे वाली बात होगी एंड उसके पॉलिटिकल एंड डिफेंस सिक्योरिटी रीजंस भी काफ़ी होंगे एंड दैट्स वाई मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आर अपोजिंग चाइनाज दिस काइंड ऑफ मूव इंडिया का स्टैंड क्या है सो इंडिया हैज़ रिपीटेडली सेड दैट इट विल नॉट जॉइन बी बिकॉज इट्स की कंपोनेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर सी पीईसी विच इज पासिंग थ्रू पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर विच इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये सीधा सीधा इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर हमला इंडिया इसको मानता है फर्दर इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज अग्रेसिवनेस इंडिया हेज इनिशियटेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी सागर विजन एंड इज

राइट सो वी आर गोइंग टू ग्रो एंड दोज कंट्रीज आर ऑल्सो गोइंग टू ग्रो विद सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है पास्ट में उसको देखकर आप समझ सकते हो कि इंडिया कभी भी किसी कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं करेगा सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा राइट एंड देट्स वाई इंडिया कैन बी सीन एज ऑल्टरनेटिव टू चाइना वेन इट कम्स टू ट्रस्ट

द बिल हैज एक्सक्लूडेड लिविंग कपल्स सिंगल मैन एंड द एल जी बी टी यू कम्युनिटी अब देखिए क्या है रेगुलेटिंग ए आर टी मतलब असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सो द बिल एस्टाब्लिश द नेशनल बोर्ड द स्टेट बोर्ड एंड द नेशनल रजिस्ट्री टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द ए आर टी क्लिनिक्स इट एस्टाब्लिशिज ए आर टी बैंक्स टू प्रमोट एथिकल प्रैक्टिस मतलब कोई कपल अगर प्रेगनेंसी गन नहीं कर पा रहा है तो देर आर मल्टीपल अदर टेक्निक्स इन साइंस जिससे आप प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हो राइट या आप प्रेग्नेंट हो सकते हो तो दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इट प्रपोजिज प्रेगनेंट पनिशमेंट फॉर दोज हु अटेम्प्टू कंट्रोल द्रिंग्स सेक्स सेल एम्ब्रॉयडरी और गेमेट्स

and a registration authority for all clinics and medical professionals serving in the field it will help in maintaining a database of all clinics and medical professionals serving in the field state governments will appoint registration authorities for facilitating the registration process the registration will be valid for five years and can be renew renewed for a further five years okay so joe इलिगल uh, क्लिनिक्स होंगे जो ए की प्रैक्टिस करते होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा बंद कर दिया जाएगा इट्स सीक्स टू रेगुलेट अ सुपरवाइज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स एंड ए बैंक्स प्रिवेंट मिसयूज अडॉप्ट सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस एंड सो ऑन और एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा सो द बिल प्रपोज इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल बोर्ड द बोर्ड विल सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेबोरेट्री डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट एंड एक्सपर्ट मैन पावर टू बी एम्प्लॉयड बाई क्लिनिक्स एंड बैंक्स तो एक नेशनल बोर्ड भी आने वाले समय में बनाया जाएगा पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया गया है दैट इट फर्दर सिक्स ट्रेगनेंट पनिशमेंट फॉर दो प्रैक्टिसिंग सेक्स सिलेक्शन मतलब लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए सेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज और जेमिट्स एम्ब्रियोस uh, का गलत तरीके से ट्रेड ना हो किसी महिला अगर लाचार है तो उसका गलत तरीके से ट्रेड ना हो सरोगसी के थ्रू या फॉर बाय वॉट एवर मीन्स और फाउंड रनिंग एजेंसीज रैकेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सच प्रैक्टिस इन वायोलेशन ऑफ दी लॉ तो ऐसा कुछ भी अगर वायोलेशन पाया गया तो उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जा सकती है द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स सो इट मे अट्रैक्ट अ पेनल्टी बिटवीन रुपीज फाइव टू टेन लैक्स फॉर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशंस

सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल राइट सो उसको यहाँ पे रोका जाएगा नीड क्या थी तो टू स्टैंडर्डाइज द प्रोटोकॉल्स सो देर आर सो मैनी सच ए आर टी क्लिनिक्स बीन रनिंग विदाउट रेगुलेशन एंड देर आर इम्प्लीकेशन ऑन हेल्थ ऑफ दोज अंडरटेक दी प्रोसीजर इफ देर इज नो रेगुलेशन द अनएथिकल प्रैक्टिस विल इनक्रीज इन कमिंग टाइम्स टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इज द सेकेंड नीड The cell in an ovary that is known as oocyte donor needs to be supported by an insurance cover, multiple embryo implantation needs to be regulated, and children born through ART needs to be protected. Concerns, kya hai, challenges, kya hai, so discrimination in accessibility. So the bill allows for a married heterosexual couple and a woman above the age of marriage to use ARTs and excludes a single men cohabiting. heterosexual कपल्स एंड LGBTQ individuals and couples from इंडिविजुअल्स एंड कपल्स फ्राम एक्सेसिंग ए आर टीज तो जो लिविन में रह रहे हैं या सिंगल मैन है या जो एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी के लोग हैं उनको ए आर टी मेथड से प्रेगनेंसी या बच्चा लाने की परमिशन नहीं दी गई है ड्युप्लीकेसी का भी एक कंसर्न है बोथ सरोगेसी एंड ए आर टी बिल्स विल सेटअप मल्टीपल बॉडीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन विच विल रिजल्ट इन और वर्स लैक ऑफ रेगुलेशन तो सरोगेसी का भी बिल जो था वो 2019 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया था फॉर एग्जाम्पल अगर सरोगेसी क्लिनिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सरोगेसी टू द नेशनल रजिस्ट्री तो अब दोनों एक ही जैसी चीज़ है उसको एक ही संस्था के थ्रू या एक ही नेशनल बोर्ड के थ्रू एड्रेस किया जा सकता था बट गवर्नमेंट दो अलग अलग बोर्ड बनाने जा रही है विच विल विच कैन बी रिजल्टेड इन टू अ ड्यूप्लीकेसी सो दैट इज़ वन ऑफ द कंसर्न क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये बिल आर्टिकल 14 को वायोलेट करता है ना व्हाट इज आर्टिकल 14 सो द बिल वायोलेट आर्टिकल 14 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ आल्सो साइलेंट ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनी पर्सन विद इन इंडिया कैन नाट बी डीनाइड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या होगी सो द कॉस्ट ऑफ़ द प्रोसीजर शुड बी इफेक्टिवली मॉनिटर्ड सो दैट इवन पुअर कैन अवेल ऑफ इट्स सर्विसेज तो जो गरीब लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं जनरली जो आई वी टेक्निक्स होती है जो सरोगसी जो होती है वो काफ़ी महंगी प्रोसीजर मानी जाती है राइट वाई बिकॉज द एक्सटर्नल वूम इज यूज ओके okay, तो कपल कितने भी पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं वाई बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेन द प्रेगनेंसी मिडिल क्लास लोगों को या गरीब लोगों को भी फायदा मिल सके वो भी अपना बच्चा ला सके दुनिया में इसके लिए जो कॉस्ट मकैनिज़म uh, होगा उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत यहाँ पे होनी चाहिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एआरटी इज़ यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी It includes fertility treatment that handle both a woman's egg and a man's sperm. It works by removing egg from a woman's body and mixing them with sperm to make embryos. The embryos are then put back in woman's body. In vitro fertilization, that is IVF, is the most common and effective type of ART. There are multiple methods. ART procedures sometimes use donor eggs. डोनर पॉम और प्रीवियसली फ्रोजन एम्ब्रिय इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व अ सरोगेट कैरियर ओके सो देर आर मल्टीपल मेथड्स वेरियस मेथड्स, जिसकी हमने बात की सरोगेसी भी हो सकती है और आई वी एफ भी हो सकता है अंडर दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ए आर टी और ये जो बिल है वो एक रेगुलेशन इंडिया में स्टैंडर्डाइज करने की बेसिकली कोशिश कर रहा है अगर कोई इरेग्युलरिटीज दिखती है तो वहां पे सजा का प्रावधान भी किया गया है पनिशमेंट का प्रोविजन भी इसमें ऐड किया गया है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर ए आर टी बिल 2021. ट्वेंटी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेचुरल फार्मिंग सो रिसेंटली अब देखिए नेचुरल फार्मिंग का जो आइडिया बिफोर गोइंग अहेड विद द टॉपिक नेचुरल फार्मिंग का जो आइडिया है वो आ, सुभाष पालेकर नाम के कर्नाटका के Uh, एक एग्रो साइंटिस्ट ने दिया हुआ आइडिया है और गवर्नमेंट इज़ नाउ ट्राइंग गवर्नमेंट ने पिछले एक दो बजट में भी नेचुरल फार्मिंग या ज़ीरो बजट फार्मिंग की बात की और गवर्नमेंट इज़ नाउ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट ऑन अ ग्राउंड लेवल सो रिसेंटली नीति आयोग हैज़ कंडक्टेड अ नेशनल वर्कशॉप ऑन नेचुरल फार्मिंग तो नीति आयोग क्या है गवर्नमेंट uh, की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट के जो विजन है उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट है नीति आयोग ओके चलिए सो देर आर मैनी वर्किंग मॉडल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड द ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल इन इंडिया दिस कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल एंड स्पिरिचुअल फार्मिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई पद्मश्री सुभाष पालेकर तो सुभाष पालेकर ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था एंड देन मेनी गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड द सिस्टम इन देयर कंट्री क्या है जीरो बजट फार्मिंग सो तो देखिए ज़ीरो बजट फार्मिंग का मेजर मतलब ये है कि जितना हो सके नेचुरल चीज़ों के साथ फार्मिंग करो पेस्टिसाइड्स या ज़्यादा खर्चा करके खेती करने की ज़रूरत नहीं है इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा किसानों का होगा सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल फ्री फार्मिंग And livestock based farming. Soundly grounded in agroecology, it is a diversified farming system that integrates crops, trees, and livestock, allowing the optimum use of functional biodiversity. It holds the promise of enhancing farmers' income while delivering many other benefits, such as restoration of soil fertility and environmental health. एंड मिटिगेटिंग एंड और रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दिस फार्मिंग अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मासानोबू फोको का जापानीज फार्मर एंड फिलोसॉफर इन हिज नाइनटीन सेवनटी फाइव बुक दन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन तो क्या तो सबसे पहले जापानीज फार्मर ने इसको, इसको इंट्रोड्यूस किया था देन मैनी ऑफ द एग्रो फार्मर इन द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड इट अप्रोच डिट इट बिल्डस ऑनशनल नेचुरल और इकोलॉजिकल प्रोसेसिस दैट एग्जिस्ट इन और अराउंड फार्म्स तो नेचुरल चीज़ों से ही आप किस आ, किसान खेती कर सकता है फार्मिंग कर सकता है ये प्रमोट किया जाता है अंडर जीरो बजट फार्मिंग इंटरनेशनली नेचुरल फार्मिंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अ प्रोमिनेंट स्ट्रेटजी टू सेव दी प्लैनिट तो आज जो हम जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना बढ़ गया है कि लोगों की हेल्थ पे उसका डायरेक्ट असर होने लगा है सो टू प्रीवेंट दैट आल्सो नेचुरल बजट फार्मिंग इज वेरी इफेक्टिव इट हैज द पोटेंशियल टू मैनेज लैंड प्रैक्टिस एंड सिक्वेस्टर कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फीयर इन सॉइल्स एंड प्लाट्स वेर इट इज एक्चुअली यूजफुल इंस्टेड ऑफ बींग डेट्रीमेंटल इन इंडिया नेचुरल फार्मिंग इज प्रमोटेड एट एज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम अंडर परम्परागत कृषि विकास योजना तो हमने नाम उसका सिर्फ बदल दिया है नथिंग एल्स बी पी के पी इज एम्ड एट प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिस विच रिड्यूज एक्सटर्नली परचेज इनपुट्स नेचुरल फार्मिंग एज द नेम सजेस्ट इज द आर्ट प्रैक्टिस एंड इनक्रीजिंग द साइंस ऑफ वर्किंग विथ नेचर टू अचीव मच मोर विथ लेस ठीक है और इससे किसानों के ऊपर जो फिनेंशियल बर्डन है वो भी कम होगा प्लेनेट को भी फायदा होगा ज़मीन को भी फायदा होगा और अल्टीमेटली लोगों की हेल्थ को भी इससे फायदा होगा ओके सो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो हमने परम्परा परंपरागत कृषि विकास योजना की बात की उसमें बीजामृत वापासा जीवामृत मल्चिंग एंड प्लांट प्रोटेक्शन जैसे अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं उसका अलग अलग मतलब है कि बीज अगर सही होगा तो आपका जो अल्टीमेट फसल है वो सही होगा कैसे उसको सही पानी सही सनलाइट वगैरह मिलना चाहिए कम से कम पैसों में आप अच्छे से अच्छी किसानी कर सकते हो एम क्या है इसका टू मेक फार्मिंग वायबल एंड एस्पिरेशनल बाई इंक्रीजिंग नेट इनकम्स ऑफ फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन रिड्यूस्ड रिस्क सिमिलर यील्स इनकम फ्रॉम इंटर क्रॉपिंग तो देखिए ये बात हम साइंस में जब थे तो पढ़े थे इन अवर प्राइमरी सेक्शन कि अगर कोई किसान अपनी ज़मीन में दस साल तक अगर आलू ही उगाता रहेगा तो ग्यारह साल में क्या होगा उसकी जो ज़मीन की जो क्वालिटी है फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी अ किसान शुड ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स इन द सेम लैंड इससे क्या होगा जो फर्टिलिटी है वो Uh, बनी रहेगी बरकर रह रहेगी और बढ़ेगी राइट सो ज़ीरो बजट फार्मिंग में ऐसे ही आइडियाज़ के थ्रू खेती की जा सकती है टू मेक फार्मिंग वायबल एंड एस्पिरेशनल बाई इंक्रीजिंग नेट इनकम्स ऑफ फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन रिड्यूस्ड रिस्क सिमिलर यील्ड्स इनकम फ्रॉम इंटर क्रॉपिंग टू ड्रास्टिकली कट डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट बाई एनकरेजिंग फार्मर्स टू प्रिपेयर एसेंशियल बायोलॉजिकल इनपुट्स यूजिंग ऑन फार्म नेचुरल एंड होम ग्रोन रिसोर्सेस राइट जैसे कि पानी को रिसाइकल करके सेम पानी को क्रॉप के लिए यूज़ करो जो वेस्ट है हो, होम वेस्ट है उसको आप किसान में आ, फार्म में फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जा सकता है जिससे आपका खर्च जो होगा खेती का वो क्या होगा कम हो जाएगा सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा सो मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस विद स्कोप ऑफ रेजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एन्श्योर्स बेटर हेल्थ एज नेचुरल फार्मिंग डज नॉट यूज एनी सिंथेटिक केमिकल्स हेल्थ रिस्क एंड आर एलिमिनेटेड हेजार्ज आर एलिमिनेटेड द फूड हैज़ हायर न्यूट्रिशन डेंसिटी एंड देयर फोर ऑफर्स बेटर हेल्थ बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा सो इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग इनपुट एंटरप्राइजेस वैल्यू एडिशन मार्केटिंग इन लोकल एरियाज एट्सट्रा द सरप्लस फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग इज इन्वेस्टेड इन द विलेज इट्सेल्फ एज इट हैज़ द पोटेंशियल टू जेनरेट एम्प्लॉयमेंट देयर बाय स्टेमिंग द माइग्रेशन ऑफ रूरल यूथ तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा लोगों की हेल्थ भी सही हो रही है एनवायरमेंट को भी फायदा हो रहा है किसान को खुद को मॉनिटरी हेल्प यहाँ पे मिल रही है और तो इसी को लेकर जो परंपरागत कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए नाउ नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड अ प्लान और ये जो पूरा टॉपिक था वो उससे रिलेटेड था रिलेटेड टू योर जीरो बजट फार्मिंग और वी कैन से नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग ओके डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है सो so, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है सो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर्स लाइक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मेन्यूर एटसेट्रा आर यूज एंड एडेड टू फार्मलैंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज जबकि नेचुरल फार्मिंग में नीदर केमिकल नॉर ऑर्गेनिक फर्टिलइजर सॉइल इनफैक्ट नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू सॉइयल और गिवन टू प्लान वट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स बेसिक एग्रो प्रैक्टिस लाइक Ploughing, tilting, mixing of manures, uh, weeding, etc., to be performed. In natural farming, decomposition of organic matter by microbes and earthworms is encouraged right on the soil surface itself, which gradually adds nutrition in the soil over the period. ओके सो भाई माइक्रोब्स एंड अर्थ होम्स मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ज़मीन के उन्हीं से आपका जमीन का जो फर्टिलिटी है वो अल्टीमेटली बढ़ेगा वही न्यूट्रिशन ज़मीन को देगा ओके सो दीज आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बार्बाडोज नाम का एक देश को लेकर है और बार्बाडोज जो है वो दुनिया का सबसे नया रिपब्लिक बन गया है क्या है ये न्यूज़ तो ये न्यूज़ जो है वो ब्रिटेन के साथ रिलेटेड है So, recently, Barbados has officially removed Queen Elizabeth II as its head of the state and become the world's newest republic nearly 400 years after the country became a British colony. The Caribbean island nation, 55 years after its independence, got rid of the remnants of colonial rule by separating from. ब्रिटेन तो देखिए पचपन साल हो गए उसकी आज़ादी को अब जाकर उसने हेड ऑफ़ स्टेट के तौर पर खुद के किसी इंसान को बिठाया है और रिपब्लिक बना है ब्रिटेन की रानी को हटाकर बारबाडोस हावेवर विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ दी फिफ्टी फोर कॉमनवेल्थ नेशंस तो कॉमनवेल्थ नेशन क्या है तो जो जहाँ जहाँ ब्रिटेन की कॉलोनी थी उन देशों के ग्रुप को कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है बार्बाडोज क्या है सो इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड कंट्री इन द साउथ ईस्टर्न कैरेबियन सी नेबर्स कौन कौन से इसके इट्स नेबर्स इंक्लूड सेंट लूसिया टू द नॉर्थ सेंट विंसेट एंड ग्रेडिन्स इन द वेस्ट एंड ट्रिनीडाड एंड टोबेगो टू द साउथ केप टाउन है इसका ब्रिज टाउन इंडिपेंडेंस इसको कब मिला था इसको इंडिपेंडेंस मिला था थर्टी नवंबर 1966 सिक्सटी सिक्स बारबाडोज गेंद इज इंडिपेंडेंस लीडरशिप में अभी कौन है सो डेम सांद्रा प्रुनेला मैसन इज़ दी करंट प्रेसिडेंट ऑफ़ बारबाडोस एंड मिया अमोर मोटेली इज़ दी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ बारबाडोस कैरीकॉम का वो पार्ट है सो बारबाडोज इज़ अ पार्ट ऑफ कैरेबियन कम्यूनिटी कैरीकॉम विच वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री तो जितने भी कैरेबियन आईलैंड है बेसिकली उनका जो कम्युनिटी है उनका जो ग्रुपिंग है दैट इज़ नोन एज कैरीकॉम और यहाँ पे आप बार्बाडोज देखिए इतना छोटा कंट्री है जो आप देख सकते हो राइट इन द नॉर्थ ऑफ लेटिन अमेरिका साधर्न अमेरिका के ऊपर का एक छोटा सा कंट्री आपको यहाँ पे दिख सकता है बार्बाडोज का हिस्ट्री क्या है सो बार्बाडोस फर्स्ट बिकेम एन इंग्लिश कॉलोनी इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ओवर फोर हंड्रेड इयर्स अ लिंक इन द लाइन्स ऑफ अ ट्रेड कॉमर्स एंड ऑपरेशन दैट इंग्लिश मर्केंटलिज्म कॉलोनियलिज्म फोस्टर्ड फॉर सेंचुरीज स्लेवस intruded labor, a lack of democracy, the Caribbean was home to some of the most इंस्टीट्यूशनलाइज्ड and uh, invisibilized horrors in the history. तो so, ब्रिटिशर्स ने कैसे इस कंट्री को बर्बाद किया उसका पूरा हिस्ट्री हमें बार्बाडोज में देखने को मिलेगा बारबाडोज इज़ the लेटेस्ट example ऑफ the ब्रिटिश ब्रुटैलिटी ओके चलिए इंडिया और बार्बाडोज के रिलेशन कैसे है सो so, कहाँ कहाँ हम shared प्लेटफॉर्म पे Uh, किस ग्रुप में एक साथ है सो इंडिया एंड बार्बाडोज एन्जॉय क्लोज एंड कॉर्डियल रिलेशन एंड इंटरेक्ट एक्टिवली इन द यूनाइटेड नेशंस कॉमनवेल्थ एंड नॉन अलायन मूवमेंट एंड अदर इंटरनेशनल फोरम बार्बाडोज इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड हैज़ रेटिफाइड इट इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलायंस में बारबाडोज ऑलरेडी पार्टिसिपेट करता है और उसने रेटिफाई कर लिया है रिसेंटली जॉइंट जो कंट्री है दैट इज़ यू और इसके साथ आई एस ए में जॉइंट कंट्रीज के जो नंबर है वो कितने हो गए हैं एक सौ एक कंट्रीज इसमें जुड़ चुके हैं एयर सर्विसेज अग्रीमेंट इंडिया एंड बारबाडोस हैव साइंड द एयर सर्विसेज अग्रीमेंट इन ट्वेंटी फिफ्टीन फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर द सिटीजन्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिरेक्ट एयर कनेक्टिविटी एंड चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज तो एविएशन के मामले में क्योंकि बारबाडोज एक टूरिज्म कंट्री बन सकता है इंडियन गवर्नमेंट इस ट्राइंग एविएशन को बढ़ावा दिया जाए द फर्स्ट एवर फॉरन ऑफिस कंसल्ट कंसल्टे बिटवीन इंडिया एंड बारबाडोज वॉज हेल्ड इन ब्रिच टाउन बार्बाडोज इन ट्वेंटी फिफ्टीन यू एन एस से रिफॉर्म को लेकर जो ग्रुप बना है जी फोर सो बार्बाडोज सपोर्टेड द जी फोर रिजोल्यूशन ऑन एक्सपांडिंग द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल इन टू थाउजेंड एंड सेवन the country also voted for india's candidature for non permanent seat on the U uh, un security council in 2011 uh, 12 and supports india's candidature for a permanent seat on the security council okay to so, g4 mein kaun se kaun se nation hai g4 mein japan hai जर्मनी uh, Germany है ब्राज़ील है एंड इंडिया है जो कि यू की परमानेंट मेंबरशिप के लिए फाइट कर रहे हैं पी फाइव कंट्री के अगेंस्ट ओके सो इंडिया और बारबाडोज काफी अच्छे कार्डियल रिलेशन इन्जॉय करते हैं बायोलेट्रल ट्रेड कितना है हम दोनों के बीच में सो so, एक्सपोर्ट हुआ था यू एस डी मिलियन का इन 2019-20 में सो इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्लूड व्हीकल्स फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल्स आयरन एंड स्टील ऑर्गेनिक केमिकल्स एट्सट्रा तो का ट्रेड भी हमारा जो है वो नॉमिनल पेस पे चल रहा है धीरे धीरे से बढ़ रहा है स्पोर्ट्स एंड कल्चर सो क्रिकेट बीइंग अ ग्रेट कनेक्शन इन इंडिया बारबाडियन क्रिकेटर्स ऑफ योर एंड मॉडर्न टाइम्स आर हाउस होल्ड नेम्स अमॉन्ग इंडियन स्पोर्ट लवर्स मैनी बारबाडियन क्रिकेटर्स आर मेम्बर्स ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग टीम्स इंडियन कम्युनिटी कितनी रहती है तो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पीपल ऑफ़ इंडियन ओरिजिन हैव सेटल्ड इन बारबाडोस एंड मोस्ट ऑफ़ देम हैव सीन्स अक्वायर्ड लोकल नेशनैलिटी ओके सो हमारे जो रिलेशन है वो कल्चरली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कॉमल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है सो इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज दैट वर मोस्टली फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड डिपेंडेंसीज इट वाज़ एस्टेबलिश्ड बाय द लंडन डिकलेन इन नाइनटीन एंड क्वीन एलिजाबैथ टू इज़ दैड ऑफ द कॉमनवेल्थ द करंट मेंबरशिप इंक्लूड्स फिफ्टी फोर कंट्रीज द मेम्बरशिप इज बेस्ड ऑन फ्री एंड एकवल वॉलेंटरी कॉपरेशन इट इज़ होम टू टू पॉइंट फाइव बिलियन पीपल एंड इंक्लूड्स बहुत एडवांस एंड डेवलपिंग कंट्रीज द लास्ट कंट्री हु जॉइंट द कॉमनवेल्थ वॉज रवान्डा इन टू थाउजेंड एंड नाइन देखिये रवान्डा की बात हमने किगाली अमेंडमेंट के टाइम पर भी की थी जब हमने मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था राइट सो किगाली इज रवान्डाज कैपिटल सिटी जिसने लास्टली ज्वाइन किया है uh, 2009 में कॉमनवेल्थ नेशन को द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इज अ बाई एनुअल समिट मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल कॉमनवेल्थ नेशन तो यहाँ पे यू एस सॉरी ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री भी है और पूर कंट्री भी है जो कि पास्ट में ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हो ओके सो दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स जो आप पढ़ सकते हो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस So, this was your today's lecture. I hope you have understood each and every topic. In case of any doubt, please let us know. Till that time, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.